नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग UPPCS का करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि कल ही नोटिफिकेशन भी आ गया है UPPCS प्रिलिमिनरी एग्जाम का 7 और 8 दिसंबर को। इसके साथ ही UPPCS RO ARO का एग्जाम ऑलरेडी लगा हुआ है दिसंबर में ही, तो आपका यूपी से रिलेटेड जो करंट्स है तो उसके लिए आप करंट, हालांकि इससे पहले का भी करंट आपको याद करना तैयार करना पड़ेगा, लेकिन शुरू से हम बात करें तो जनवरी का करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जनवरी से लेकर टिल दिसंबर तक। तो आज जो हम करंट अफेयर आपको लेके आए हैं वो है जनवरी माह का करंट अफेयर यूपी स्पेशल। इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर और हैं वो भी डिस्कस किए जा रहे हैं। आप जानते हैं बिहार पीसीएस को देखते हुए वो तो करंट अफेयर हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आज जो करंट अफेयर है वो हमारा यूपी पीसीएस का जनवरी का करंट अफेयर। तो लेट्स वी स्टार्ट, क्या क्या टॉपिक हम रहे हैं।
का होना, पर्यटन पढ़ना,
इसमें जरा देखो क्या है, नाबालिगों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार ने नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता वाहन मालिकों को 3 वर्ष की कैद और 25,000 रुपए के जुर्माने को सख्ती से फैसला लिया है। इसमें हुआ क्या, परिवहन विभाग के सहयोग से सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न माध्यमों में सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए जागरूकता अभियान किया गया। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 119A के तहत रेखांकित किया गया किशोरों द्वारा किए गए मोटर वाहन संबंधी अपराधों केवल उनके अभिभावक और वाहन मालिक जवाबदेही ठहराया जाएगा। ठीक है, इसमें सजा 3 वर्ष और कैद और 25,000 तक का जुर्माना शामिल है। लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और लोहिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों के अनुसार सड़क दुर्घटना में 40% मौतों में नाबालिग शामिल हैं। ठीक है, अधिकारियों ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा ड्राइविंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है और सभी शैक्षणिक संस्थाओं में इस पर जागरूकता चलाने की बात की है। अब ये है क्या संशोधन अधिनियम, जरा इसको देखते हैं। ठीक है, संशोधन अधिनियम क्या कहता है इसे जरा मित्रों एक बार समझते हैं हम लोग। तो ये क्या कह रहा है, संशोधन अधिनियम कहता क्या है इसे जरा देखें। संशोधन अधिनियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड लगाने, लाइसेंसिंग प्रशासन सुव्यवस्थित करने में देश में सड़क सुरक्षा खराब स्थिति को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। एक मोटर वाहन दुर्घटना निधि प्रावधान करेगा। भारत के सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को कुछ दुर्घटनाओं के लिए अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करता है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड का भी इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश अर्धचालक सेमीकंडक्टर नीति क्या बनाई गई है, इसमें क्या चर्चा में क्यों रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सेमीकंडक्टर की नीति अपनाने का आदेश दिया है और निर्णय में तेजी से विकसित किया जा रहा है। क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। क्या है इसमें जरा समझते हैं, वित्तीय वर्ष 2022 में वैश्विक अर्धचालक सेमीकंडक्टर में 950 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर चिप सेक्टर पिछले 2 वर्षों में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश की घोषणा की गई है। आगे क्या है, केंद्र सरकार ने अर्धचालक विनिर्माण सेवाओं जैसे सेमीकंडक्टर फेब, डिस्प्ले फेब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर के लिए प्रोत्साहन की जा रही है। वर्ष 2021 में भारत ने सेमीकंडक्टर डिस्प्ले विनिर्माण प्रोत्साहन के लिए लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI की घोषणा की है। सेमीकंडक्टर डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निर्माण इकाइयां, मिक्स्ड सेमीकंडक्टर, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यूनिट, पैकेजिंग यूनिट को बेहतर परिस्थितियों का निर्माण किया है। वैश्विक अर्धचालक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश की नीति के तहत वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन का वितरण का प्रावधान किया गया। सेमीकंडक्टर अर्धचालक होते क्या है इसे समझिए। अर्धचालक एक चालक है, कुचालक है कि विद्युत चालकता मध्यवर्ती क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का एक वर्ग है। अर्धचालकों का उपयोग किसमें किया जाता है, डायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में और एकीकृत सर्किट के बनाने में किया जाता है। ठीक है, और इनके लिए कॉम्पैक्ट नेट, विश्वसनीय विद्युत दक्षता, कम लागत होने के कारण व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। मुरादाबाद का पीतल बर्तन उद्योग, उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में धार्मिक मूर्तियों विशेष रूप से भगवान राम की मूर्तियों की मांग में वृद्धि के रूप में देखी गई है। क्या है, जिसके परिणामस्वरूप पीतल के बर्तन का पुनरुत्थान की प्रोत्साहन की बात हुई है। क्या है इसमें इसे समझते हैं। मुरादाबाद की स्थापना 1600 में सम्राट शाहजहां के बेटे मुराद ने की थी, जिसके परिणामस्वरूप इसका नाम क्या मित्रों पड़ा था, मुरादाबाद पड़ा था। पीतल का कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पूरे विश्व में हस्तशिल्प उद्योग की एक अलग पहचान बनाई है। पीतल के बर्तन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, मध्य पूर्व एशिया जैसे देशों में निर्यात भी किए जाते हैं, इसलिए इसे ब्रॉस सिटी, पीतल नगरी भी कहा जाता है। पीतल तांबे और जस्ता का मिश्रण है, मिश्र धातु है और यह कठोरता और व्यावहारिकता के कारण ऐतिहासिक और स्थायी महत्व में रखती है। 1980 के दशक में पीतल, लोहा और एल्यूमिनियम जैसे विभिन्न धातुओं के बर्तनों की शुरुआत के साथ उद्योगों में विविधता आई। इस विस्तार से मुरादाबाद में कला उद्योग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, लेकरिंग, पाउडर केउटिंग जैसी इकाइयां विकसित हुई हैं। मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट बर्ड मार्क भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हैं। एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेशी विशिष्ट उत्पादों में कला का प्रोत्साहन करती है। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्थानीय कला कौशल का संरक्षण एवं विकास एवं रचनात्मक को बढ़ावा देना।
आय और स्थानीय रोजगार में वृद्धि, परिणाम स्वरूप रोजगार के प्रवसन में कमी हुई है, उत्पाद की गुणवत्ता और कौशल विकास में सुधार, उत्पादों की कलात्मक तरीके पैकेजिंग ब्रांडिंग माध्यम से बदलना। ठीक है, आगे क्या है इसे जरा समझते हैं। उत्पाद को पर्यटन से जोड़ना, लाइव डेमो बिक्री आउटलेट उपहार और स्मारिका। ठीक है, आर्थिक मतभेद और क्षेत्रीय असंतुलन के मुद्दों को हल करना है। राज्य स्तर पर सफल कार्यक्रम के बाद ओडी ओपी की अवधारणा अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे ले जाने की बात की गई है। ठीक है, अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों की सूची भारत उत्तर प्रदेश में देखें तो आगरा किसके लिए है, चमड़ा। ठीक है, अमरोहा वाद्य यंत्र, बागपत होम फिनिशिंग, बरेली जरी, गोरखपुर टरकोटा, लखनऊ चिकनकारी, महुआ गोरा पत्थर, मिर्जापुर कालीन, सिद्धार्थनगर काला नमक और बनारस बनारसी सेरसम की साड़ी के लिए। एमएसएमई के लिए उत्तर प्रदेश में शीर्ष तीन राज्य शामिल हैं। क्या है उत्तर प्रदेश शीर्ष तीन राज्यों में एमएसएमई, यानी आपके स्मॉल और छोटे उद्योगों से रिलेटेड बात है यहाँ पे। ठीक है, तो तीन राज्यों में शामिल हो गया है उत्तर प्रदेश, उसको जरा हमें देखना है क्या बात है, मुख्य बिंदु क्या है इसके देखते हैं। रियलिटी कंसल्टिंग फर्म सीबीआरई साउथ एशिया रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पंजीकृत एमएसएमई 9% हिस्सेदारी, उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम के महत्वपूर्ण योगदानकर्ता में शीर्ष तीन राज्यों में उभरा है। क्षेत्र रिपोर्ट में बताया गया है निर्माण क्षेत्र में घरेलू क्षेत्र उत्पाद लगभग 8 योगदान देता है, भारतीय एमएसएमई के लिए एक रणनीतिक अवसर है। मुख्य बिंदु क्या है, सूक्ष्म लघु मध्यम और उद्यम मंत्रालय में विकसित आंकड़ों के अनुसार मंत्रालय के तहत 2.21 करोड़ पंजीकृत हैं, असिस्ट पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण किया गया है। उत्तर प्रदेश में कई शहर एमएसई में क्लस्टर में उभरे हैं जैसे आगरा कानपुर बनारस लखनऊ मेरठ गाजियाबाद। ठीक है, जिनमें 17.2% हिस्सेदारी के साथ 38.09 लाख महाराष्ट्र से थे, तमिलनाडु में 10% की हिस्सेदारी से 22 लाख थे। ठीक है, 9.4% हिस्सेदारी के साथ 22.95 लाख उत्तर प्रदेश से थे, 16 लाख के साथ राजस्थान और 15.96 लाख के साथ एमएसएमई गुजरात देश में पंजीकृत इकाइयों के अन्य शीर्ष स्थान हैं। यानी उत्तर प्रदेश का स्थान क्या हो गया ये जरा समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद तीसरा राज्य बन गया है एमएसएमई के लिए, ये बात ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण है। उद्यम पोर्टल बनाया गया है इसके लिए, पंजीकृत करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली जो इसे 1 जुलाई 2020 में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीपीटी और जीएसटीएन डेटाबेस से जुड़ा है। आगे क्या है, जीएसटीएन एक अद्वितीय और जटिल आईटी उद्यम है जो करदाताओं केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों हितधारकों के बीच संचार की एक बातचीत का एक चैनल स्थापित करता है, पूरी तरह ऑनलाइन है जिसे किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती, एमएसएमई के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में तेजी से कदम किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए प्रयागराज और बनारस दिल्ली में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें क्या है, लखनऊ गोरखपुर बनारस कानपुर गाजियाबाद अलीगढ़ झांसी फिरोजाबाद सहित 8 शहर 3-स्टार रेटिंग अर्जित करने में सफल हुए हैं। ठीक है, जिनमें नोएडा को 5-5 स्टार की रेटिंग दी गई है। ठीक है, राज्य लगभग 648 शहरों में खुले में शौच मुक्त यानी ODF का दर्जा हासिल कर लिया है, 6500 कचरा मुक्त शहर हो चुके हैं। स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023 के परिणामों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश 129 शहरों में ODF प्लस प्लस का दर्जा हासिल किया है जो खुले में शौच मुक्त मानकों के टिकाऊ अवशिष्ट प्रबंधनों का पालन को दर्शाता है। ठीक है, उत्तर राज्य में 435 शहरों में ODF प्लस का दर्जा प्राप्त है, राज्य स्वच्छता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, उत्तर प्रदेश के कई शहर 7-स्टार रेटिंग में भी है। ठीक है, आगे सरकार द्वारा बहुत अधिक 5-स्टार में 3-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले लगभग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023 देश में बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी ली गई है और प्रतिस्पर्धी ढांचे में वर्ष 2016 से आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा परीक्षण कराया जाता है। ठीक है, पिछले कुछ स्वास्थ्य सर्वेक्षण विश्व के सबसे बड़े शहरी सुरक्षा सर्वेक्षणों से रूप में यह उभरा है। अगला है हमारा टॉपिक उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी UPSIDA, ठीक है, उत्तर प्रदेश ललितपुर बुंदेलखंड के 5 गांवों में 1472 एकड़ में फार्मा पार्क स्थापित किए जाने की बात की गई। फार्मा पार्क की स्थापना संबंधित परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। इसके मुख्य बिंदु अगर हम देखें, योजना के 2 चरण सामने आएगी जिसमें शुरुआती में 300 एकड़ भूमि कवर करने के लिए तत्काल विकास प्रावधान किया होगा और सर्वेक्षण में चिन्हित गांवों में सेतपुर, गोडीकला, लरगन, करौंदा और रामपुर शामिल हैं। तेल परिरक्षण, समोच्च मांतरण, स्थलाकृति जांच इसमें शामिल है। आगे, आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग इन पहलों की योजना कार्यान्वयन सटीकता दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। UPSIDA दिव्यापुर में प्लास्टिक सिटी परियोजना के साथ उरई में साइट 1, साइट 2 का विकास परियोजनाओं में तेजी लाने में कदम उठा रहा है। 274 एकड़ में फैला प्लास्टिक पार्क औद्योगिक इकाइयों, आवासीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे भी शामिल इसमें किया जाएगा। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर में प्रवेश करेगा। इसका एक डायग्राम, इसका एक MOU उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता के सामने रखा है। देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है उत्तर प्रदेश और 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल जल्द ही करेगा। पिछले 6.5 वर्ष में योजनाबद्ध प्रयासों उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी स्थिति में है और राज्य की कुल सकल घरेलू उत्पाद 21-22 में 16.85 लाख करोड़ थी, 22-23 में 22.58 लाख करोड़ हो गई है। राष्ट्रीय आय 9.2% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है जो देश की आर्थिक विकास का मुख्य चालक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2021-22 में वर्तमान स्थिर कीमतों पर उत्तर प्रदेश की विकास दर 20.1% से 9.8% थी, जबकि देश की विकास 18.4% तथा 9.1% थी। ठीक है, बात समझे यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की विकास दर 20.9% है, जबकि इसी टेन्योर में आपकी देश की जो थी वो 18.9 थी। ठीक है, कीमतों के आधार पर 2022-23 में राज्य विकास दर 9.8% के मुकाबले स्थिर कीमतों में राष्ट्रीय 7.2% GDP एज GDP आपकी नेशनल GDP से अधिक है, जबकि इस अवधि के दौरान राज्य की कीमत में 14.3% की वृद्धि दर्जित की गई। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण जैसी पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने के साथ अर्थव्यवस्था में प्रमाणिक खंड के सुधार हुए डिजिटल प्रौद्योगिकी शामिल किया गया है। 2021-22 में गन्ने की खेती क्षेत्र उत्पादन में 26.8% बढ़ गया है, जबकि बागवानी फसल का उत्पादन 31.9% पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। आगे क्या है, उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से राज्य प्रायोजित योजनाओं के अनुकूल परिणाम मिल रहे हैं। हालांकि फसल विविधीकरण को बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला को सुधार करने की आवश्यकता है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त अंडा उत्पादन प्रगति के मामले में 12.80% की वार्षिक वृद्धि और तीसरे स्थान पर हासिल हो गया है। उत्तर प्रदेश होटल, रेस्तरां, परिवहन, संचार, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाओं में वृद्धि के साथ तृतीय क्षेत्र में तेजी से विकास हासिल किया है और उस क्षेत्र से जुड़ी अभूतपूर्व विकास हुआ है। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश 22 में सबसे अधिक पर्यटन आगमन का गौरव प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार ने 31.8 करोड़ से अधिक पर्यटकों को स्वागत किया और बनारस, मथुरा, अयोध्या प्रमुख पर्यटक तेल के रूप में उभरे हैं। इसके साथ ही घरेलू पर्यटकों की सुविधा के अलावा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए व्यापक कार्य योजना विकसित की गई है। ठीक है, योजना विभाग के प्रावधान सचिव और वित्तीय परामर्श कंपनी डेलॉट प्रतिनिधियों को आर्थिक परिवेश में बात की। 2027 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का लक्ष्य पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि सभी विभागों और प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए। तो यानी हमारे मंत्री योगी आदित्यनाथ की जो ये ड्रीम है कि 2027 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के तौर पर उभारा जाए, तो उसके तहत ये जो परियोजनाएं और ये जो रिजल्ट मिले हैं काफ़ी सजग रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो अगला हमारा पॉइंट है वो है स्वच्छ लक्ष्य में विविध प्रगति। क्या है स्वच्छ वायु लक्ष्य में, क्लाइमेट ट्रेंड रेस्पर लिविंग साइंस के एक अध्ययन के अनुसार अधिकांश शहर भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
के स्वच्छ लक्ष्य से बहुत दूर हैं। ठीक है, क्या है दूरी? पीएम 2.5 डेटा वाले 49 शहरों में से 27 शहरों में पीएम 2.5 स्तर में गिरावट देखी गई है। केवल 4 शहर एनसीएपी यानी नेशनल जो आपका एयर इंडेक्स है लक्षित गिरावट को पूरा कर पाए हैं और आगे निकल गए हैं। पीएम 2.5 की मात्रा वायु गुणवत्ता का प्रमुख संकेतक है, जिसका अर्थ है पर्टिकुलर कुलेट मैटर जो 2.5 अर्थ परकुलेट मैटर के आकार से अधिक होती है। बनारस, आगरा, जोधपुर जैसे शहर पीएम 2.5 के स्तर में उल्लेखनीय कमी देखी गई। दिल्ली सहित अन्य शहरों में मामूली गिरावट केवल 5.9% की हुई है। ठीक है, बनारस में 19 से पूर्व 23 तक पीएम 2.5 72% की औसत कमी, पीएम 10 के स्तर में 69% की के साथ सबसे अधिक कमी देखी गई है। राष्ट्रीय यानी नेशनल स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है? जनवरी 19 में पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, काफी महत्वपूर्ण है। जनवरी 2019 समयबद्ध कमी लक्ष्य वायु गुणवत्ता प्रबंधन के राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने में एक देश का पहला प्रयास है। 131 शहरों में 2026 तक आर्थिक पर्टिकुलेट सांद्रता का 40% तक कम करना है और यह प्रारंभ वर्ष 2024 तक 20-40% की कटौती का लक्ष्य रखा गया था। बाद में इस लक्ष्य में 2026 तक इसे क्या किया है, बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश में आगे क्या है, 5 और हवाई अड्डे बनेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होने वाले हैं। ठीक है, क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के मुताबिक 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। क्या है, जो आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट, श्रावस्ती में बनेंगे। राज्य में कुल हवाई अड्डों की संख्या 19 हो जाएगी, यानी वर्तमान में 14 ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, अयोध्या हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा। बड़े पैमाने पर उतरने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालन की अनुमति देने की भी बात की जा रही है। इसका दूसरे चरण में विस्तार जल्द ही शुरू किया जाएगा। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 20 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि क्या है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा तैयार यूपी स्टेट फोकस पेपर 2024-25 के अनुसार यूपी प्राथमिक वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह 7.573 ट्रिलियन के तक पहुंचने का अनुमान है। कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम सेवा क्षेत्र में सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पहचानने की बात की जा रही है। ठीक है, आगे इसमें क्या है, 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार 250% एमएसएमई में 300% और सेवा क्षेत्र में 450% की वृद्धि दर की आवश्यकता की गई है। विकास के उत्प्रेरक के रूप में ऋण के महत्व को रेखांकित करते हुए यूपी सरकार बैंकरों को राज्य के ऋण जमा यानी अनुपात सुधार के लिए प्रेरित किया जाएगा। यूपी में एक अग्रणीय निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए राज्य एक प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग ले रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के दावोस में ही है। ठीक है, राज्य स्वरोजगार सृजन के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यूपी में एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया को ने भारत स्टार्टअप एंड इनोवेशन सोसाइटी BSIS की साझेदारी की है और यह धर्मार्थ योजना है जो उद्यमियों को अगली पीढ़ी के पोषण और मार्गदर्शन को कार्य करता है। ठीक है, आगे नाबार्ड यूपी का मुख्य प्रबंधक 19.2% की अनुमानित विकास दर के साथ राज्य में भारत विकास इंजन कहा जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में राज्य 2017 से 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, स्टेट फोकस पेपर सभी 75 जिलों के लिए जमीनी स्तर पर ऋण सेवाओं को संकलित कर रहा है। पेपर के आधार पर 2024-25 के लिए वार्षिक क्रेडिट योजना यूपी में राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य फसल की गुणवत्ता में सुधार करके कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है। भारत के कुल कदन मिलेट्स उत्पादन में यूपी का योगदान 20% है, लेकिन निर्यात केवल 1% था। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, जरा इसे समझिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एक स्विस गैर लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में जिनेवा में हुई थी। स्विस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है।
क्या है? विश्व इकोनॉमिक फोरम वैश्विक उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने, व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय विकास और ग्रामीण विकास बैंक क्या है? नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करता है और ग्रामीण विकास क्षेत्र हेतु प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। ठीक है, सामुदायिक निकाय है जो इसकी स्थापना 1982 में की थी, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया गया था, और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, आगे है दिव्य अयोध्या ऐप। क्या किया गया है? एक ऐप बनाया गया, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पर्यटन में केंद्रित दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया, जिसे अयोध्या आने वाले भक्तों के पर्यटकों के नेविगेशन का अनुभव पढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। दिव्य अयोध्या ऐप प्रौद्योगिकी को सांस्कृतिक अनुभवों के साथ जोड़कर ग्रामीण परिवेश में होम स्टे जैसे विकल्प प्रदान कर पर्यटकों को पवित्र शहर से जुड़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए समृद्ध किया गया है। क्या क्या है इस ऐप में मुख्य बिंदु, उसे देखते हैं। ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है ये, और इस योजना को बनाने छिपे हुए रत्नों की खोज, अयोध्या में सांस्कृतिक वैभव के अनुभव तक इसे विस्तृत करने के लिए किया गया। विस्तृत विवरण और समय सारणी के साथ प्रमुख स्थलों, मंदिरों, मठों, ऐतिहासिक स्थलों की खोज से भी प्रदत्त करेगा। ऐप ई कारों, ई बसों को बुक करने, उनके रूट की स्थिति को ट्रैक करने और सुविधा बोर्डिंग को डीबोर्डिंग में भी प्रदान करेगा। होम स्टे, होटल, यहाँ तक कि टेंट सिटी की बुकिंग में भी ऐप संभव है, जो उपयोगकर्ताओं को स्थानीय रूप से प्रशिक्षित पर्यटक गाइडों से जोड़ेगा। इसके अतिरिक्त ऐप सहज दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए व्हील चेयर, गोल्फ कॉर्ट भी बुक किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी ग्रामीण परिवेश को होम स्टे विकल्प प्रदान करने के लिए अयोध्या में बाहरी इलाकों के स्थानों की पहचान कर रही है। अयोध्या आने वाले परिवार खेत में रहने के लिए अनुभव, दौलतपुर गांव, एक घर एक हिस्सा किराए पर ले सकते हैं। ठीक है, ये बात की गई है। इन पहलों का उद्देश्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि स्थानीय पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी योगदान देना भी है। राज्य सरकार ने अयोध्या, राम जन्मभूमि मंदिर जैसे पवित्र प्रमुख स्थलों को पर्यटकों और तीर्थ स्थलों हेतु सुविधाएं बढ़ाने के लिए तैयार धर्मपथ, रामपथ, इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत की है। ठीक है, तो यानी ऐप के बारे में बताया गया था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में यूपी क्या रहा है अग्रणीय। क्या रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, इसको समझते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एक पेपर में भारत में बहुआयामी गरीब 2005-06 के अनुसार उत्तर प्रदेश पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में अत्यधिक संख्या में लोग बाहर निकले हैं और राज्यों में अपना नेतृत्व बनाए रखा है। यूपी 5.94 करोड़ एमडीपी लोग यानी भीषण गरीबी से बाहर निकले हैं। क्या क्या मुख्य बिंदु हैं इसे जरा देखते हैं। ठीक है, क्या क्या स्टेज हैं, पॉवर्टी यानी स्टेप डिक्लाइन इन पॉवर्टी, हेड काउंट रेशियो यानी संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी है। ठीक है, लगभग 24.82 करोड़ लोग बाहर निकले हैं इससे। ठीक है, एलडीजी टारगेट जो 12 है, भीषण गर्मी मार में 12 जो आपका सहस्राब्दी लक्ष्य है, उसमें 12वां जो सहस्राब्दी लक्ष्य है उसके अंतर्गत भी हम इसे देख सकते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं इसे जरा एक बार देखते हैं हम लोग। पेपर में यह बताया गया है कि 2015-16 में 37.68% की बहुआयामी गरीबी की संख्या में 2019-21 में घटकर 22.95% हो गई है। नीति आयोग में पेपर में कहा गया है 2022-23 में यह आंकड़ा घटकर 17.40% रह जाएगा। नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी के लिए सतत विकास लक्ष्यों के 12 संकेतों को विचार किया है और ऑक्सफोर्ड ने महागरीब मानव विकास पहल में ONDP के पेपर के योगदान दिया है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है जरा इसे भी देख लें। भारत में बहुआयामी गरीबी 13-14 2029.17% घटकर 22-23 में 11.8% रह गई है। नीति आयोग कब बना इसके बारे में, 1 जनवरी 2015 में एक संस्था योजना आयोग की जगह बनाई गई है और इस सहकारी संघवाद के भावना पर प्रेरित है। ठीक है, अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना पर है, बॉटम अप दृष्टिकोण को जोड़ दिया जाता है। टीम इंडिया हब 2 हब हैं
और एक है ज्ञान और इनोवेशन, जिसमें टीम इंडिया हम में राज्य और केंद्र सरकार के बीच इंटरफेस का काम करता है और थिंक टैंक की भांति काम करता है। ऑक्सफोर्ड मानव विकास पहल के बारे में यदि हम बात करें तो UPHI ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग अंतर्गत एक आर्थिक अनुसंधान नीति केंद्र है जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों के अनुभवों और मूल्यों पर आधारित बहुआयामी गरीबी और अधिक व्यवस्थित प्रणाली के आधारित ढांचे को में उसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, आगे सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों के अनुकूल, जो आगे अभी हम थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे सेमीकंडक्टर के बारे में, तो इसके बारे में दोबारा दिया गया है 2024 में आधारित प्रस्तुतिकरण समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने सेमीकंडक्टर के बारे में जो बताए हैं, जिससे सेमीकंडक्टर हब जो मार्केट है जिसमें सेमीकंडक्टर का मार्केट में तेजी से प्राप्त कर उनको सप्लाई किया जाए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उससे रिलेटेड है। क्वांटम कंप्यूटिंग में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, छोटी छोटी चिपों में सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यह कम ऊर्जा के हानि से हमारा डेटा सेफ और सेफली आगे पहुंचाते हैं। ठीक, तो ये नीति हम आगे भी बता चुके हैं। और सेमीकंडक्टर के बारे में सीएम ने एक आकर्षित वित्तीय प्रोत्साहन के वितरण की बात की है और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया है, चौथा राज्य बन गया है। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम बात करें पूंजी विद्युत लू छूट ड्यूल पावर ग्रिड ट्रांसमिशन व्हीलिंग शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण पेटेंट जल आपूर्ति जैसी बातें की जा रही हैं। ठीक है, अगला क्या है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो ऐप अभी हाल ही में बना, अब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू कर दी गई है। क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ गोरखपुर प्रयागराज बनारस आगरा मथुरा अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 जनवरी को हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया, कब, 19 जनवरी, और हेलीकॉप्टर सेवाओं की किराया भी निर्धारित कर दिया गया है और निकट भविष्य में इस पर अन्य जिलों में भी इसे विस्तार करने की बात की जा रही है। और ये सब राज्य में भक्तों के लिए अयोध्या में राम मंदिर के एरियल दर्शन के लिए ऐसा किया गया है। हेलीकॉप्टर की सवारी सरयू नदी किनारे टूरिज्म गेस्ट हाउस के पास बने हेलीपैड से होगी और यह राम मंदिर हनुमानगढ़ी सरयू घाट सहित प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को हवाई यात्रा से आनंद दिलाएगा। बनारस में नमो घाट से, लखनऊ में रमाबाई से, प्रयागराज टूरिज्म गेस्ट हाउस के पास हेलीपैड सेवाएं शुरू की गई। तो किन किन शहरों में, ये बात ध्यान रखना, कहाँ कहाँ शुरू की गई है हेलीकॉप्टर, लखनऊ गोरखपुर प्रयागराज बनारस आगरा मथुरा और अयोध्या। ठीक है, यानी 7 शहरों में, और इसे आगे भी विस्तृत किया जाएगा। श्रद्धालु मथुरा के बरसाना से गोवर्धन परिक्रमा के पास हेलीपैड और आगरा में आगरा एक्सप्रेसवे के पास हेलीपैड की सेवाएं विकल्प चुन सकते हैं। 456 किलोमीटर और 440 किलोमीटर तक फैले इन लंबे मार्गों को पूरा करने के लिए 135 मिनट लगते हैं। इसके लिए प्रति श्रद्धालु किराया 35,399 रुपये तय किया गया है। ठीक है, सरयू नदी के बारे में अगर हम बात करें, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। इस नदी का प्राचीन महत्व इसलिए है, वेदों में रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। नदी करनाली महाकाली नदियों के संगम से बनती है और गंगा नदी की सहायक नदी है। राम जन्मदिन पर अवसर पर त्यौहार रामनवमी पर हजारों लोग अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं। अगला क्या है, यूपी सरकार ने EIDA UPSIDA UPDA का विस्तार के लिए 2,940 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। क्या है, जरा इसे समझते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निकाय यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है, यानी यमुना एक्सप्रेसवे बाय EIDA, ठीक है, यूपी राज UPSIDA, ठीक है, यूपी एक्सप्रेसवे UPEDA और 2,950 करोड़, क्या है, नवगठित जो बीडा बनाया गया यानी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए 3,000 रुपये करोड़ दिए थे। 23-24 में राज्य औद्योगिक विकास के लिए 8,000 करोड़ अलग रखे गए थे और 5,000 करोड़ रुपयों में से 1,000 करोड़ UPEDA और 1,500 करोड़ BYEDA और 440 करोड़ UPSIDA को स्वीकृत किया गया है। इस विकास प्राधिकरणों से कुल 7,042.67 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार निवेश आकर्षित में उत्तर प्रदेश अग्रणीय निवेश स्थल के रूप में प्रतिबद्ध है, ऐसा इसलिए किया गया है। अब इनको अलग अलग एनालाइज करते हैं। UPEDA उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1976 में दिल्ली से सटे संबंधित व्यवस्थित विकास के लिए बनाए गए हैं और जो योजनाबद्ध नहीं होते हैं और अनाधिकृत शहरी संभावना है, ठीक है, यूपी एक्सप्रेसवे
के प्राधिकरण यूपी राज्य एक्सप्रेस वे परियोजनाओं को विकसित करते हैं और इनकी स्थापना 2007 में की गई थी और इसकी 1976 में की गई थी यमुना एक्सप्रेस वे की। ठीक है, अभ्यास अयोध्या इंडो थाई कॉरपोरेट क्या है? भारतीय नौसेना रॉयल थाई सेना के बीच अभ्यास अयोध्या नामक पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया और भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती शैली थी। मुख्य बिंदु अभ्यास अयोध्या का अनुवाद अजय वन या पराजय है। ठीक है, दो सबसे पुराने शहर भारत में अयोध्या और थाईलैंड के अयोध्या की ऐतिहासिक विरासतों से समृद्ध सांस्कृतिक में साझा के लिए प्रतीक मनाया गया। भारत का एक प्राचीन शहर जो भगवान राम से जन्म स्थान है और महाकाव्य में रामायण की पृष्ठभूमि में कौशल साम्राज्य की राजधानी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अयोध्या राम मंदिर के बारे में क्यों चर्चा में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 22 जनवरी को किया गया है, तो ये जनवरी का करंट अफेयर है, तो इसमें राम मंदिर के बारे में थोड़ा बताया गया है, जरा देख लेते हैं क्या है। एक परकोटा है, रेक्टेंगुलर कंपाउंड है ये, क्या परकोटा रेक्टेंगुलर कंपाउंड, और जो 732 मीटर लंबा है और 14 फीट वाइड यानी उस टेम्पल हैं। ईस्ट वेस्ट लेंथ 380 फीट है, चौड़ाई अगर हम बात करें 250 फीट है। ठीक है, टोटल पिलर अगर हम देखें 392 पिलर हैं और 44 दरवाजे हैं। एवरी एंट्री फॉर्म पूरब की ओर है, असेंडिंग 32 स्टेयर हैं। ठीक है, और सिंगल द्वार सिस्टम है, थ्री स्टोरी विद ईच फ्लोर 20 फीट हाइट, तीन स्टोरी बिल्डिंग है और प्रत्येक फ्लोर की हाइट कितनी है 20 फीट है। ठीक है, आगे देखते हैं राम मंदिर से रिलेटेड, राम मंदिर का लेआउट 20-20 फुट ऊंची तीन मंजिल बनी हुई है, 292 खंभे और 44 दरवाजे हैं। निर्माण मकराना संगमरमर, गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और रंगीन संगमरमर का उपयोग किया गया है। न्यू रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट 14 मीटर मोटी परत बनी हुई है। जमीन पर नमी बचाने के लिए 31 फुट ऊंचा ग्रेनाइट फ्लिंट लगाया गया है। निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मंदिर की स्थापना शैली गर्भगृह मंडप हॉल मंदिरों को नागर शैली बनाया गया है। परिसर के प्रत्येक कोने पर सूर्य भगवती गणेश शिव की मूर्ति स्थापित की गई है और दक्षिणी भुजाओं क्रमशः अन्नपूर्णा और हनुमान मंदिर बनाए जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि, विशिष्ट विश्वामित्र, अगस्त, निषाद, सबरी आदि राम मंदिर भी प्रस्तावित हैं। मंदिर वास्तुकला नागर शैली में है। पहली बार उत्तर भारत में 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान विकसित किया गया इस शैली में उत्तर पश्चिमी पूर्वी बंगाल के क्षेत्र को छोड़कर लोकप्रिय है, खासकर मालवा, राजपुताना और कलिंग के आसपास। यह एक साधारण पत्थर के मंच पर बनाया गया है जिसमें मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं और इनकी विशेषताएं देखिए। शिखर गर्भगृह हमेशा उच्चतम शिखर की ठीक नीचे स्थित है और शिखर पर एक कलश अमल का भी स्थापित है। शिखर के प्रकार रेखा प्रसाद या लेटना, उड़ीसा में श्री जगन्नाथ मंदिर, सेखरी, खजुराव, कंदरिया, महादेव, बल्लवी, तेली मंदिर और फरसाना कोणार्क का जगमोहन मंदिर है। चार दीवारी प्रवेश द्वार का अभाव है, वे उड़ीसा शैली, चंदेल शैली और सोलंकी शैली में बनाए गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश को अपने आतिथ्य संस्कृति को परिचित कराने का अवसर मिला है। क्या है इसे जरा समझिए। 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन किया गया तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस प्रमाण उत्तर प्रदेश आतिथ्य संस्कृति का परिचित करने का एक अवसर दिया है और अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। रामलला के बाल रूपी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा में बहुप्रतीक्षित समारोह उत्तर प्रदेश की आतिथ्य संस्कृति को परिचित कराने का एक अवसर। अयोध्या में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। नव और दिव्य राम मंदिर के पुष्प वर्षा का कार्यक्रम है। रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम, देश विदेश के मेहमान आ रहे हैं। इसमें भारत के सभी प्रांतों के संत महात्माओं, धर्मगुरुओं को बुलाया गया था। ठीक है, इसमें ऐसे लोगों को तैनात किया गया जो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति या अयोध्या जी के पौराणिक ऐतिहासिक भौगोलिक महत्व से परिचित थे। ठीक है, आगे अयोध्या में विभिन्न जनपदों से जोड़ने के लिए विभिन्न मार्गों की पार्किंग पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राम प्रतिष्ठा के लिए राज्यों में अवकाश भी घोषित किया। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में इन राज्यों में अवकाश की घोषणा, सरकारी कर्मचारियों को आज इनकी छुट्टी दी गई है। ठीक है, केंद्र सरकार ने सभी कार्यालयों में 2:30 बजे तक बंद रहे और कई राज्यों 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया गया। ठीक है, पूरे देश में केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान, सार्वजनिक बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थाएं, RRB आधे दिन के लिए बंद रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ जामिया इस्लामिया, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं, स्कूल भी दोपहर 2:30 बजे तक बंद, आधे दिन के लिए बंद रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 22 जनवरी को व्यापारिक अवकाश रहा।
ठीक है, 3 मंजिला मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। मकराना संगमरमर, गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, रंगीन संगमरमर का उपयोग किया गया। निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। गर्भगृह में रामलला की मूर्तियां, साथ ही रंग मंडप, नृत्य मंडप भी और के कई मंडप हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जो चर्चा में अभी बीच में आया था, नेशनल स्टॉक भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है। 1992 में निगमित NSE परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक बाजार के रूप में विकसित हुआ है। इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से विश्व का 4थे स्थान पर आता है। ठीक है, आधुनिक पूर्णता स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रदान करने वाला पहला एक्सचेंज था। भारत में सबसे बड़ा निजी वाइड एरिया नेटवर्क है इसका। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रमुख सूचकांक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए 16,000 करोड़ की मंजूरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए में रैपिड रेल कॉरिडोर मंजूर किया है और उद्देश्य कई हवाई अड्डों को निर्बाध रूप से जोड़ना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCRTC कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट तैयार करना मार्च 2024 के रूप में इसे उम्मीद है। एक बार शुरू होने के बाद 4 वर्ष अनुमानित है और यह परियोजना 2 प्रमुख हवाई अड्डों दिल्ली को जोड़ेगी। ठीक है, इसमें आगामी नोएडा हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा यात्री अति प्रवाह को बढ़ाने की मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित नोएडा हवाई अड्डा लिंक गाजियाबाद स्टेशन से शुरू होगा और दिल्ली मेरिट रेल ट्रांसपोर्ट के लिए इंटरचेंज बिंदु के रूप में कार्य करेगा। यात्रियों के पास दिल्ली मेरठ रेल शुरुआती स्टेशन सराय कालेखां के माध्यम से प्रगतिरत दिल्ली अलवर रैपिड रेल जुड़ने का विकल्प भी होगा। दिल्ली अलवर रेल 2025 के मध्य तक समाप्त होने की उम्मीद है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरो सिटी स्टेशन पर शामिल होगा। नोएडा हवाई अड्डे को दिल्ली में गुड़गांव में एक व्यापक मल्टी मॉडल परिवहन कनेक्टिविटी नेटवर्क स्थापित करने में हाई स्पीड बस कॉरिडोर को सार्वजनिक परिवहन योजना विकसित करने का भी कार्य किया है। अयोध्या में भीष्म क्यू क्या है, जरा इसे समझते हैं। हाल ही में भीष्म क्यू भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री यानी भीष्म क्यू अयोध्या स्थित एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है जो प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, आरोग्य मैत्री का। ठीक है, आगे इसमें है उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से सुपर स्पेशलिस्टी ब्लॉक क्या है, चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश कानपुर गणेश शंकर मेमोरियल मेडिकल सुपर स्पेशलिटी वर्चुअल उद्घाटन किया है। कानपुर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच हियरिंग सैटेलाइट सेंटर आधारशिला रखी गई है और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 12 विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी जिनका उद्देश्य समय और संसाधनों में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत किया गया है। ठीक, इसमें कानपुर में AISH ठीक पहला अत्याधुनिक केंद्र होगा जो केवल डॉक्टरों को प्रशिक्षित करता है बल्कि लोगों की देखभाल भी करेगा। केंद्र भाषण भाषा विकृति विज्ञान आइडियोलॉजी संचार विकार रोकथाम टेली मूल्यांकन पुनर्वास सहित 4 विशिष्ट प्रभावों को संभालेगा। भारत में एम्स की संख्या 6 से अब 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या दुगनी 710 तक पहुंच गई है। जन औषधि केंद्र 10,000 से अधिक हो गए हैं। आयुष्मान योजना 160 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां 2 एम्स हैं। इसके अलावा 10 राज्यों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दुगनी हो गई है। सरकार ने सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में गुणवत्ता देखभाल को उपचार का दायरा बढ़ाया है।
55 करोड़ लोग आयुष्मान प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का लाभ के हकदार हैं और 50 करोड़ आयुष्मान स्वास्थ्य खाता ABHA ID कार्ड धारक हैं। प्रधानमंत्री है क्या ये PMSS, जरा इसे देख लेते हैं। 2006 में परिवार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और इसका उद्देश्य सामान्य रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में किफायती और सुविधा उपलब्धता असंतुलन को ठीक करना और विशेष रूप से कम सेवा वाले राज्यों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाना है। एम्स जैसी संस्थाओं की स्थापना है, सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थाओं का उन्नयन। क्या है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस? 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश का 75वां स्थापना दिवस बनाया गया। अभी हमने पिछले कल पढ़ा था क्या बिहार का 22 मार्च को स्थापना दिवस होता है और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का 75वां। इस दिन हिंदी को उत्तर प्रदेश और यूपी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल में राज्य को ब्रह्म ऋषि या मध्य देश कहा जाता था। मुगल काल के दौरान राज्यपालों के अधीन विभाजित था। 22 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। 47 से 50 तक सिद्धांतों का पालन करता रहा, जिसके कारण जिसकी सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत रहे, परिणाम स्वरूप एक राज्य शताबादी का निवास स्थान है और खिलाड़ियों 25% तक पद जीते हैं। खेलो इंडिया का उद्देश्य पूरे देश में खेलों को प्रोत्साहन करना है, ठीक है, और इस योजना के तहत प्राथमिकता वाले विद्या विषयों को पहचान करने वाले प्रतिभाशाली 8 वर्षों तक के लगभग 5 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है। तो मित्रों, ये है आपका उत्तर प्रदेश का जनवरी माह का करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर आपको अगले दिन यानी नेक्स्ट डे आपको कल मिलेगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।